तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष जनकर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का। सो गाइस, अगर आप इंडियन एयरफोर्स एक्स या वाई ग्रुप किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो ना ही आप एक्स ग्रुप के लिए क्वालिफाई माने जा सकते हैं, ना ही वाई ग्रुप के लिए। अगर आप एक्स वाई बोथ से फॉर्म भरते हैं तो इंग्लिश आपका कॉमन होता है, लेकिन आपको कम से कम वहाँ पर इंग्लिश को क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। तो भाई, इंग्लिश पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, इसके टाइप के क्वेश्चंस। वहाँ पे एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं हर बार इस एग्ज़ाम में। यहाँ पे इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से एक दो क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट के मिल जाते हैं। तो भाई, ज़्यादा कुछ हार्ड लेवल के नहीं पूछा जाते, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं हर बार। जिस तरह से आपको पेपर देख के आते हैं तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो जिसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट में ध्यान रखना है, जो आपको हेल्प करेंगे आगे भी। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है गाइज। देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट कहलाता है। इनके हमें सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट करने के लिए हम वहाँ पे नंबर पर्सन वो के अनुसार हम वहाँ पे वर्ब का प्रयोग करते हैं। बस यही आपका सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट है। यानी कि आपको वर्ब प्लूलर लेना है, सिंगुलर लेना है, इज एम आर वाज वर, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे नंबर यानी कि जो संख्या है और पर्सन के अनुसार हम लेते हैं। ही सी इट जो भी है उसी अनुसार हम यहाँ पे सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे रूल नंबर आपका 1 है, यदि दो सब्जेक्ट को आज एज वेल एज विद अलोंग विद टुगेदर विद एंड नोट एंड बट बिसाइड एक्सपेक्ट गेदर देन अकोमोडेशन बाई लाइक अनलाइक, इन सभी से जोड़ा जाए तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार, देखिए अगर आप ये सब वर्ड आपके सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लेना है। जैसे यहाँ पे एक राम है, एक हीज है, हीज पेरेंट्स। तो देखिए, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कमिंग। तो देखिए, यहाँ पे सेंटेंस तो आपको सही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में थोड़ी सी गलती ये है कि यहाँ पे आर नहीं आएगा, ठीक है। कैसे नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा है एक सेंटेंस, यहाँ पे रूल पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग देखिए एज वेल एज यहाँ पे अगर आता है सेंटेंस में तो उसमें जो वर्ब आपका यूज होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है राम, तो राम के अनुसार यहाँ पे हम वर्ब लेंगे, क्योंकि राम एक प्लूलर वर्ब नहीं है तो यहाँ पे आर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम सिंगुलर यूज करेंगे तो सिंगुलर इज होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। तो ये आपका सही होगा, क्योंकि देखिए हमें भी लगता है कि यहाँ पे आर आना चाहिए लेकिन यहाँ पे इज आता है, तो यहाँ पे आप गलती ना कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका रूल है, रूल नंबर 2। यहाँ पे यदि दो सब्जेक्ट में नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो और नॉन बट, ये सभी चीज़ें अगर आप पे हैं तो इससे जुड़ी जाएँ तो वर्ब नज़दीकी वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। देखिए, जब पहला रूल था उसका जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है। अगर सब आपके सेंटेंस में ये सब वर्ड आते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं तो इसके अनुसार हम समझते हैं। देखिए, नाइदर राम और नोर श्याम हैव कम, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि नाइदर राम, ये भी यहाँ पे सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ब किसके अनुसार लगाना है। तो यहाँ पे अगर आप लगा देते हैं तो हैव तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के अगर अनुसार भी अगर हम लगाएं तो ये आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आप श्याम के अनुसार, यानी कि सेकेंड जो आपका चीज़ आ रही है, सेकेंड सब्जेक्ट आपका आ रहा है, उसके अनुसार आपको वर्ब यहाँ पे लगानी है। तो श्याम के अनुसार लगाएंगे तो श्याम के अनुसार हैव हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्याम यहाँ पे सिंगुलर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइदर राम नोर श्याम हैज कम। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें यहाँ पे, आइदर राम और हिज फेयर फ्रेंड्स हैज कम। अब यहाँ पे आप समझ पाएंगे, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में तो क्या था, ये भी सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर था, तो आप यहाँ पे प्लूरल लगा ही नहीं सकते, सिंगुलर लगाना था। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरे एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हिज फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है, तो अब यहाँ पे हिज फ्रेंड्स के अनुसार लगाएं या राम के अनुसार लगाएं। तो देखिए हमने पढ़ा था कि आइदर और, यानी कि देखिए यहाँ पे आइदर और रहा, अगर ये वर्ड आपका होगा तो आपको किसके अनुसार लगाना है, सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए हिज फ्रेंड्स हैव कमिंग,
ये फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट है, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन वर्ड्स का ध्यान रखना है। ये वर्ड अगर यूज होते हैं तो यहाँ पे आप सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, ठीक है। अब रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री कहता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिसे गिना जा सकता है उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, द हार्ड ऑफ काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो देखिए, आप कहेंगे कि हार्ड क्या होता है, हार्ड होता है जानवरों का समूह, मवेशियों का समूह, इसे हम हार्ड बोलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है इसका, यानी कि जो पशुओं का या जो भी जानवरों का समूह होता है उसे हम हार्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे पक्षियों के समूह को फ्लॉक बोलते हैं, उसी प्रकार इसे हार्ड बोलते हैं। द हार्ड ऑफ काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे देखिए, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे काउज का एक झुंड की बात हो रही है। अगर ऐसी बात होती है तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब, क्योंकि यहाँ पे काऊ के अगर समूह की बात हो रही है और समूह के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी बात होती तो यहाँ पे आप प्लूरल वर्ब यूज करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समूह की बात हो रही है तो समूह सिर्फ एक ही है, सभी काऊ के जो समूह है उसे हम हर्ड कहते हैं, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए, द हर्ड ऑफ काऊ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। रूल नंबर फोर देखिए, रूल नंबर फोर कहता है ईच एवरी वन नाइदर आइदर, अगर आदि इन टेक्स वो को प्लुलर नाउन, यानी कि ये सब वर्ड हैं जो यहाँ पे प्लुलर नाउन लेते हैं, आफ्टर देन बट फॉलोइंग बाई सिमिलर वर्ब, ठीक है। ये सब वर्ड यहाँ पे प्लुलर लेते हैं, जो यहाँ तक के वर्ड हो गए, और ये लेते हैं सिंगुलर वर्ब, यानी कि ये जो वर्ड हैं प्लूरल लेते हैं लेकिन फिर भी हम सिंगुलर का यूज करते हैं। तो देखिए, एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, वन ऑफ हिज बुक्स इज स्टोलन, वन ऑफ हिज बुक्स यानी कि बहुत सारी बुक हैं, उनमें से एक बुक जो है ना वो यहाँ पे आपके खो गई है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन ऑफ हिज बुक्स। देखिए, हमने लिखा था सिंगुलर वर्ब, यानी कि ये होते प्लूरल हैं लेकिन लेते सिंगुलर हैं, वन ऑफ हिज बुक्स, बुक्स यहाँ पे प्लूरल है लेकिन यहाँ पे सिंगुलर लेगा, तो ये आपका सही होगा। देखिए, नाइदर ऑफ हिज बुक्स इज स्टोलन, नाइदर ऑफ हिज बुक्स इज स्टोलन, यानी कि उसकी एक बहुत सारी बुक हैं उसमें से कोई भी बुक है जो नहीं खोई है, तो यहाँ पे भी आप इज लेंगे, क्योंकि एक बुक होती तो भी यहाँ पे इज लेते, और नाइदर ऑफ आ रहा है इसलिए यहाँ पे आप इज सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। रूल नंबर फाइव, तो रूल नंबर फाइव कहता है कि इन ए सेंटेंस एक्सप्रेसिंग मी इमरजेंसी विशेष, ठीक है, इमेजिनरी विश और सप्रीमेशन द वर्ब यूज इन प्लूरल, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे इमेजिनरी बात हो रही है, काल्पनिक कोई बात हो रही है, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं, इफ एज तो सपोज विश इन केस एंड वुड दैट। देखिए, यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। देखिए, हम विश करते हैं भगवान से, गॉड आई विश यू, तो हम कल्पना कर रहे हैं, हम रियल में थोड़ी ना कोई चीज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे विश टाइप की, यहाँ पे इमेजिनरी टाइप की होती हैं, तो ये प्लूरल लेते हैं। देखिए, विश वाज ए किंग, तो यहाँ पे देखिए वाज नहीं आ रहा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम प्लूरल लेते हैं विश, यहाँ पे विश वर ए किंग, ठीक है, तो यहाँ पे हमने विश का वर्ड का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है, इन नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब तो था, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आपको ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ मिलता है तो आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं इसे। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, ठीक है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, देखिए ए नंबर ऑफ के साथ हमें क्या करना है प्लूरल, और द नंबर ऑफ के साथ क्या करना है सिंगुलर, तो यहाँ पे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वर प्रेजेंट, यहाँ पे प्लूरल यूज करना है आपको, तो यहाँ पे इसे ध्यान में रखना है आपको कि ए नंबर के साथ आपको प्लूरल यूज करना है और द नंबर के साथ आपको सिंगुलर यूज करना है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा आपका और ये आपका फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद द नंबर ऑफ बॉयज आर फेल, ठीक है, 50, ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज इज यहाँ पे आपका आ जाएगा 50, ठीक है, यानी कि बॉयज की संख्या कितनी है 50 है,
इज 50 आएगा, यहाँ पे आर 50 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट रूल की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट रूल आपका यहाँ पे है कि अगर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। देखिए, अगर अमाउंट की बात होती है, क्योंकि क्वांटिटी की बात होती है, तो ये सभी अनकाउंटेबल नाउन में हमें आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो द अमाउंट ऑफ मनी आर नोट सफिशियंट, द अमाउंट ऑफ मनी आर नोट सफिशियंट। देखिए, अमाउंट को हम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, और हमने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ये भी आपको ध्यान में होगा, या आप समझ सकते हैं यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ मनी इज नोट सफिशियंट। ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इस बात का छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट करते समय ऐसी चीज़ों का ही आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना होता है। देखिए, ये आठवां रूल है आपका, ये लास्ट रूल है। और भी रूल होते हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रूल थे, अक्सर पूछे जाते हैं इंडियन एयरफोर्स में, वही मैंने यहाँ पे कवर करवाए हैं आपको। तो इन रूल से अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपको एक या दो क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से सही कर सकते हैं इंग्लिश में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सही करना। क्योंकि अगर इंग्लिश सही नहीं होगा तो ना एक्स में ना वाई में बहुत से अप्लाई करने का भी कोई फायदा ही नहीं होगा इस बात में, ठीक है। तो यूनिवर्सल फैक्ट हो, यानी कि सार्वभौमिक सत्य जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, आइडम फ्रेज हो, लोगों की मुहावरे, यानी कि, और यहाँ पे कोई हैबिचुअल एक्शन हो, यानी कि एक जो हैबिट है, यानी कि वो चीज़ होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में और ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसके साथ क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। चाहे वो किसी भी स्थिति में कहा जा रहा हो तो आप हमेशा प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करेंगे। देखिए, द सन सेट्स राइज इन द ईस्ट एंड सन सेट इन द वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक, ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य है कि सन ईस्ट में राइज होता है, उदय होता है, और वेस्ट में छिपता है, सेट होता है, ठीक है। तो ये बात यूनिवर्सल फैक्ट है, तो यहाँ पे कोई टेंस में चेंज नहीं होगा। चाहे ये प्रेजेंट में कही जा रहे हो, पास्ट में कही जा रही हो, फ्यूचर में कही जा रही हो, तो यहाँ पे इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होगा। सिर्फ ऐसे कैसे जो लाइन लिखी हुई है, कहीं पे भी आप पढ़ेंगे तो सिर्फ आप इसे प्रेजेंट में इसी तरह से पढ़ेंगे। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इस वर्ड को भी आप यहाँ पे कहीं पे भी पढ़ेंगे तो सिर्फ चेक के, कहीं पे भी किसी भी स्थिति में हो, आपको बस सिर्फ यह ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट में होगा, और जैसे यहाँ पे लिख रहा है वैसे के वैसे होगा हर जगह पे। तो अगर ऐसी बात हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट में ही होता है, ठीक है गाइज। ये थे हमारे सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट के टॉप 8 रूल जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन्हें ध्यान में रखने हैं तो एक से दो क्वेश्चन आपके आसानी से सही हो जाएंगे, बिल्कुल आप सही करके आएंगे। इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, इन रूल्स को एक बार अच्छे से पढ़िए, वीडियो को एक बार और देख लीजिए अगर पॉसिबल हो तो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और बार बार रिपीट करने पे ही आपको पता है कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाती हैं। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे आपको पहले पढ़ना है। तो सभी चीज़ें आप कमेंट करके मुझे जब तक नहीं बताएंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाऊँगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल का, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहे। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको कोई अपडेट मिस ना हो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।